तो एक और सरकार कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही है, ब्लैक मनी को कम करने की बात कर रही है और दूसरी ओर बैंक अकाउंट्स में जमा और निकासी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा दिए गए। यानी आप केवल 4 बार अपने बैंक खातों में पैसे निकाल पाएंगे या फिर जमा कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसके लिए ट्रांजैक्शन चार्ज चुकाना होगा, फिर चाहे आप पैसे जमा कर रहे हों या फिर निकाल रहे हों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिनिमम बैलेंस की शर्तों के ऐलान के पहले ही 3 बैंक महीने में 4 से 5 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी हर 5वें या 6ठे ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक फीस चुकानी होगी। इसमें कैश डिपॉजिट और निकासी दोनों शामिल है। कैश जमा और निकासी पर नए नियम के तहत HDFC बैंक 4 ट्रांजैक्शन तक ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन 5वें ट्रांजैक्शन पर ग्राहक को हर 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए प्रति 1,000 रुपए पर 5 रुपए फीस चुकानी होगी, जबकि 150 रुपए न्यूनतम फीस चुकानी होगी। वहीं ICICI बैंक भी 4 ट्रांजैक्शन के बाद फीस वसूलेगा। फी ट्रांजैक्शन की सीमा पार होने के बाद ICICI बैंक हर 1,000 रुपए पर 5 रुपए फीस वसूलेगा। बैंक की न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होगी। एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 5 रखी है। 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट या निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन ये सीमा पार होने के बाद 5 रुपए प्रति 1,000 के हिसाब से चार्ज देने होंगे। एक्सिस बैंक का न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होगा। इस चार्ज ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैशलेस इंडिया के सपने देख रही सरकार कैसे अपने मकसद में कामयाब होगी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के खात्मे और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया था। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कैशलेस इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा? अगर ग्राहकों को बैंक में पैसा जमा करने पर चार्ज देना पड़ेगा तो आखिर ग्राहक बैंकों में पैसा क्यों जमा करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिस्टर बंसल, क्या आपको लगता है कि बैंक्स जो है वो अपनी मोनोपोली का मिसयूज यहां पर कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक नई शुरुआत की है। 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि आप ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज लगाएं कि 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से समझा जाए कि जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि कैश कम हो जी, कम से कम कैश का काम हो, वो तो लोग ग्राहकों को उसी तरफ डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में यूज़ करना चाहिए। और अगर ये माने कि जो इस तरह के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ खुदरा व्यापारी हैं जिनको रोज कमाते हैं, तो उनको पैसे तो जमा करने होंगे उनके खाते में। और अगर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 4 ट्रांजैक्शंस की लिमिट बैंक यहां पर लगा रहा है कि आप 4 से ज्यादा की अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज यहां पर देना होगा। ऐसे में अगर कोई छोटा व्यापारी है, हर दूसरे तीसरे दिन वो बैंक में जाकर पैसे जमा करेगा, तो जाहिर तौर पर सर वो दोबारा सोचेगा ही। हर्ष, एक सवाल आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ RBI यहां पर कहता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन्स पर ध्यान ना देते हुए आप रीच पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ बैंक्स क्लियरली प्रॉफिट मार्जिन्स पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए शायद वो मिनिमम बैलेंस अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आपसे पेनल्टी वसूलेंगे, आप 4 बार से ज़्यादा अगर बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपसे पेनल्टी वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं रीच का ध्यान नहीं है शायद बैंकों को। नहीं, लेकिन RBI ने ऐसा कब कहा कि आप प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान मत दीजिए? और अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, और वो क्लियरली ग्राहकों के लिए सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं चार्जेस के बारे में, इसकी चार्जेस तो देने ही होंगे, और जो कैश के चार्जेस हैं
वो तो डिजिटल की तरफ ले जाएंगे, डिजिटल से दूर नहीं ले जाएंगे, बिकॉज आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस नहीं है, वो कम भी हो गए हैं, लेकिन हर्ष खत्म हो गए हैं, जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं, हाँ, तो मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। सो उनके लिए भी स्पेसिफिक स्कीम्स हर बैंक में है, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंक्लूडिंग पब्लिक। ये जो बैंक्स के नाम लिए आपने, इनमें भी अगर आप बैलेंस ज्यादा रखें तो इन चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं कैश के, डिपॉजिट के या उसके, वो चार्जेस उनको नहीं लगेंगे। जैसे आपने डॉक्टर कहा या छोटा व्यापारी कहा, अगर उसका दिन का गल्ला वो उसमें जमा कराता है, अगर एक वो चार्ज रखेगा तो उसको कैश के जो चार्जेस आप बुला रहे हैं वो नहीं लगेंगे उसको। ये सारी स्कीम्स हैं सब जगह, जनधन अकाउंट्स में वैसे भी चार्जेस नहीं है। तो ये कहना कि चार्जेस के वजह से डिजिटल बैंकिंग से दूर जाएंगे, सही नहीं है। इनफैक्ट चार्जेस की वजह से डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चार्जेस क्या ज्यादा है, इस पे कौन ध्यान दे रहा है, मनमानी कर रहे हैं क्या बैंक्स, इस थोड़ा बिल्कुल तथ्य है, क्योंकि आपको इसका कोई चॉइस नहीं है। और जो रेगुलेटर है वो दोनों तरफ वो देख रहा है, ग्राहकों के लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं है। श्री कृष्ण कमिटी में ये क्लियर किया गया था कि अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल एंटिटीज एक कॉमन, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर होना चाहिए जो सिर्फ कंज्यूमर के हित की बातें देखेगा। और मेरे ख्याल से जब वो रेगुलेटर आएगा तब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, चार्जेस नहीं जाएंगे, चार्जेस रहेंगे, शायद बढ़ते भी रहेंगे साल दर साल, लेकिन इसमें जो फेयरनेस है वो आएगी। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत यहाँ पर है जो चार्जेस बैंक्स यहाँ पर लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बंसल आपको, और मिस्टर रुंगटा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेजोन भी हमारे साथ जुड़े थे, बेजोन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।